हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन सो इन दिस लेक्चर वी आर गोना डिस्कस अबाउट द मैनुअल मसल टेस्टिंग मैनुअल मसल टेस्टिंग के बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग के अंदर उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि मैमएम टी होता है दैन फिर वाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड वाट आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द एम एम टी देन वाट आर द डिफरेंट ग्रेडिंग्स ऑफ द एम एम टी प्रिकॉशंस एंड द लिमिटेशंस ऑफ द एम एम टी इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ में जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कसन किया था नर्व असेसमेंट के बारे में उस पर भी अगला लेक्चर आएगा वो सीरीज कंटिन्यू चलेगा इस एम के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो उसी क्रैनियल नर्व असेसमेंट का पार्ट टू होगा सेकेंड लेक्चर होगा एंड देन और भी लेक्चर्स अभी लाइंड अप हैं जैसे कि हमारा पैथोलॉजिकल गेट पर एक लेक्चर आने वाला है नॉर्मल गेट पैटर्न के एनालिसिस के बारे में वीडियो आएगा एक्सरे एनालिसिस पर मैं वीडियो लाने वाला हूं तो इन सभी चीज़ों पर वीडियो आने वाली है जल्दी ही ठीक है तो चलिए आज का जो डिस्कसन है उस डिस्कसन को आगे बढ़ाते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग एम एम टी तो एम एम टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट असेसमेंट टूल है इट इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट असेसमेंट टूल इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी अभी तक हमने जो भी लेक्चर्स देखे हैं जैसे कि अगर हम ऑर्थोपेडिक के बारे में बात करें ऑर्थो असेसमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ भी हमने एम एम टी चेक किया था न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में भी हमने एम एम टी चेक किया था और खासकर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में तो एम एम टी चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है Manual muscle testing is one of the very important assessment tool in the field of physiotherapy. हर एक फील्ड में इसका बहुत तगड़ा यूज़ है हर एक डिपार्टमेंट में इसका बहुत तगड़ा यूज है अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हैं अगर हम ऑर्थोपेडिक असेसमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ भी एम था अगर हम न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ भी एम था डिफरेंट केसेज के बारे में बात करें जैसे स्ट्रोक तो हमने स्ट्रोक में भी एम चेक किया था पार्किनसन में भी हम एम चेक करते हैं अटैक्सिया में भी हम चेक करते हैं तो इसका बहुत ही वाइड यूज़ है एम को बहुत जगह हम यूज़ करते हैं और इस एम के ज़रिए हम किसी भी मसल के पावर को चेक करते हैं बेसिकली क्या होता है कि मैनुअल मसल टेस्टिंग नाम से ही क्लियर है मैनुअली हम किसी भी पर्टिकुलर मसल को टेस्ट कर रहे हैं कि उसका पावर कितना है वो कितने अच्छे से फंक्शन कर पा रहा है उसका जो बेसिक फंक्शन है जो बेसिक काम है जो प्राइमरी मूवमेंट है उसका वो प्राइमरी मूवमेंट करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है और अगर करा भी पा रहा है तो किस हद तक करा पा रहा है क्या कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन में जा पा रहा है क्या पूरे रेसिस्टेंस अप्लाई करने के बाद भी वो मूवमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है तो इन सभी चीज़ों को डीपली हम असेस करते हैं इसी मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू ठीक है दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी सबसे पहला अभी जो हमने बात किया इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन और असेसमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हेल्प करता है डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस एंड मेकिंग द प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम एमएम चेक नहीं करेंगे तो हमें अपने पेशेंट के मसल का पावर पता नहीं चल पाएगा एंड विदाउट नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ द पर्टिकुलर मसल ऑफ आवर पेशेंट वी कैन नॉट प्रोसीड टू द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कभी भी सही हो ही नहीं पाएगा ठीक है इसलिए एमएम टी मैनुअल मसल टेस्टिंग करना मसल के पावर का जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है और प्रिस्क्रिप्शन पर इसे मैंशन भी करना होता है टी को ठीक है सो दिस इज अ टेस्ट टू इवेल्युएट द मसल स्ट्रेंथ अभी हमने बात किया कि ये जो टेस्ट है ये एक असेसमेंट टूल है इससे हम मसल के स्ट्रेंथ को जानते हैं मसल के स्ट्रेंथ को पता करते हैं अ मसल इज मेड टू डू इट्स मेन फंक्शन एंड देन स्ट्रेंथ एंड पावर इज असिस्ट इसमें करते क्या है हम कि जो हमारा मसल है उस मसल का जो मेन फंक्शन है वो मेन फंक्शन हम करने को बोलते हैं पेशेंट को वो मेन फंक्शन कराते हैं एंड देन हम पावर को असिस्ट करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हमें डेल्टोइड का चेक करना है डेल्टोड के मिडिल फाइबर का हमें एमएमटी चेक करना है उसके पावर को चेक करना है तो हम क्या करेंगे डेल्टोइड के मिडिल फाइबर का जो हमारा मेन्जर फंक्शन है तो प्राइम फंक्शन है वो क्या है हमारे शोल्डर ज्वाइंट पे एबडक्शन कराता है वो तो हम एबडक्शन कराएंगे पेशेंट का वो उसका प्राइम फंक्शन हो गया एंड एंड देन ड्यूरिंग द एबडक्शन वी विल चेक द पावर ऑफ द मसल वो कैसे करेंगे आगे देखते हैं ठीक है तो इस एमएम का यूज़ हम कहाँ करते हैं तो ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन दोनों के अंदर में करते हैं ऑर्थो और न्यूरो बोथ केसेज में इसका यूज होता है पर खासकर न्यूरो के केस में एमएम का बहुत तगड़ा योगदान है एमएम का बहुत अच्छे से चेक करते हैं हम न्यूरो के केस में क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई अल्नर नर्व पॉलिसी हो गया या फिर रेडियल नर्व पॉलिसी हो गया तो वो जिस भी पर्टिकुलर मसल में सप्लाई कर रहा है वो मसल हमारा काम नहीं करेगा तो हम एम एम टी के जरिए ये समझ सकते हैं कि उस वो मसल हमारा काम नहीं कर पा रहा है उस मसल में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रहा है तो हो सकता है कहीं कुछ नर्व कंप्रेशन हो कहीं कुछ नर्व इंजरी हो इस यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं इसलिए न्यूरो के केस में खासकर एम एम टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम एम टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रोक के भी बारे में अगर हम बात करें तो स्ट्रोक का जो हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं वो एम एम टी पर बेस्ड ही होता है एम एम टी चेक करने के बाद मैनुअल मसल टेस्टिंग मसल के पावर को एसेस करने के बाद ही हम चेक करते हैं कि क्या हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना चाहिए अगर हमारा कोई ज्वाइंट है फॉर एग्जाम्पल शोल्डर ज्वाइंट है या फिर हमारा एल्बो है या रिस्ट है या एंकल है नी है, है कोई भी ज्वाइंट है वो मेजर ज्वाइंट हो या माइनर ज्वाइंट हो हर एक जॉइंट पर बहुत सारे मसल्स एक साथ काम करते हैं अगर हम शोल्डर के बारे में बात करें शोल्डर का फ्लेक्शन करा रहे हैं एक्सटेंशन करा रहे हैं तो बहुत सारे मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है पर हर एक मसल का कुछ ना कुछ प्राइमरी फंक्शन जरूर होता है ठीक है हर एक मसल का कुछ ना कुछ प्राइमरी फंक्शन जरूर होता है और साथ में वो किसी दूसरे मसल को सपोर्ट भी करता है उसका फंक्शन कंप्लीट कराने में पर किसी किसी केसेस में क्या होता है कि, कि किसी मसल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो लॉस कर जाता है और वो प्राइमरी फंक्शन किसी दूसरे मसल के द्वारा परफॉर्म होना शुरू हो जाता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मसल हमारा है जो कि फ्लेक्शन करा रहा है और साथ में एक दूसरा मसल भी है जो उसको सपोर्ट कर रहा था ड्यूरिंग द मूवमेंट पर किसी कारणवश वो जो प्राइमरी फंक्शन है वो जो प्राइमरी मसल है जो फ्लेक्शन करा रहा था वो उसका पॉलिसी हो गया वो काम नहीं कर पा रहा है तो अब क्या होगा जो सपोर्टिव मसल होगा जो उसके आसपास के मसल्स होंगे वो उस प्राइमरी फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे पर यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि चूंकि जिस मसल का रिस्पॉन्सिबिलिटी था वो मसल अपना काम नहीं कर पा रहा है कोई दूसरा मसल काम कर रहा है तो वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में जिस रिद्म में जितने एक्यूरेसी से मूवमेंट होना चाहिए था उतने एक्यूरेसी से मूवमेंट नहीं होगा एंड दैट्स कॉल्ड द ट्रिक मूवमेंट उसे ही हम ट्रिक मूवमेंट कहते हैं ठीक है अब आते हैं बेसिक कंपोनेंट्स पर व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द मैनुअल मसल टेस्टिंग तो ये चार मेनली बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं सबसे पहला हमारा है पोजीशन देन फिक्सेशन और स्टेबलाइजेशन देन रेसिस्टेंस एंड एट लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट द प्रॉपर नॉलेज ऑफ मसल वर्क अब एम को परफॉर्म करने के लिए मैनुअल मसल टेस्टिंग करने के लिए थेरेपिस्ट को एनेटमी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए जो हमारा मसल है वो मसल किस प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई हो रहा है कौन सा नर्व सप्लाई कर रहा है उसे वो नर्व कहाँ कहाँ कंप्रेस होने का चांसेस है इन सभी के बारे में और डीपर नॉलेज होना चाहिए तभी आप एमएमटी को सही से चेक करके सही कंक्लूजन तक पहुँच पाओगे नहीं तो फिर आप सही कुछ कंक्लूड नहीं कर पाओगे ठीक है अब चलते हैं एक एक प्रिंसिपल्स को वन बाई वन डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट वन इज पोजिशन पहला हमारा है पोजिशन पोजिशन हमारा जो सब्जेक्ट होगा हमारा जो पेशेंट होगा उसका पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस पोजिशन में मसल का टेस्टिंग कर रहे हैं अब अब जो पोजिशन है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है हम जो मसल टेस्टिंग करते हैं उसमें रिसिस्टेंस भी अप्लाई करते हैं वो रेसिस्टेंस हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है या फिर हमारा ग्रेविटी भी हो सकता है ठीक है तो जब कभी भी हम अपने पेशेंट का मसल टेस्ट करते हैं तो उसका पोजीशनिंग इस बेसिस पे करते हैं कि हमारा जो पेशेंट का मसल है उसका टेस्टिंग हमें अगेंस्ट ग्रेविटी करना है या विदाउट ग्रेविटी करना है अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा एक नेचुरल रेसिस्टेंस वहाँ पे लगेगा और अगर हम एलिमिनेटिंग ग्रेविटी करें इट मीन्स कि वहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करेगा उस मसल पर पर ग्रेविटी काम नहीं करेगा जो मसल है विदाउट ग्रेविटी इन द एबसेंस ऑफ ग्रेविटी काम करेगा तो इस बेसिस पर हमें पोजिशनिंग करना है पेशेंट का कि आप किस तरीके से टेस्ट करना चाह रहे हैं आप अगेंस्ट ग्रेविटी जाना चाह रहे हैं या फिर विदाउट ग्रेविटी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं बेसिकली अगर विदाउट ग्रेविटी के बारे में बात करें तो अगर कोई पेशेंट विदाउट मूवमेंट कर रहा है देन फिर यू विल विल प्रोसीड फॉर द अगेंस्ट ग्रेविटी यानी कि अगर अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट कर रहा है पेशेंट दैट मींस इट्स मसल पावर इज स्लाइट बेटर उसका मसल पावर थोड़ा बेटर है अगर अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं कर पा रहा है देन फिर हम ट्राई करेंगे विदाउट ग्रेविटी मूवमेंट करवाने में अगर विदाउट ग्रेविटी मूवमेंट कर लिया इट मीन्स कि मसल थोड़ा सा और वीक है बहुत ज्यादा वीक है तो इस बेसिस पे हम कंक्लूड करते हैं दैट्स वाई द पोजिशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन वेदर वी हैव टू टेस्ट फॉर अगेंस्ट ग्रेविटी और एलिमिनेटिंग और इन द एबसेंस ऑफ ग्रेविटी ठीक है upon, uh, or or gravity, अब कुछ अब कुछ स्मॉलर मसल्स होते हैं हमारे हाथ के होते हैं हमारे पैर में होते हैं हमारे फोर आर में होते हैं जो कि रोटेशन में बेसिकली हेल्प करते हैं वो जो मसल हैं उन पर ग्रेविटी का उतना तगड़ा इन्फ्लुएंस नहीं पड़ता है तो इसलिए ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पड़ता है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है पर उस लेवल का नहीं होता है ठीक है ना द सेकेंड प्रिंसिपल इज द स्टेबलाइजेशन और फिक्सेशन स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एमएमटी को चेक करने के लिए स्टेबलाइजेशन अर्थात कि स्टेबल करके रखना स्टेबल करना अगर हम अपने पेशेंट के एल्बो का मूवमेंट करा रहे हैं हमें अपने पेशेंट के एल्बो का मूवमेंट कराना है तो इस चीज़ का हमें खास ख्याल रखना है कि एल्बो के अलावा जो हमारा जो मूवमेंट होना है उस पार्ट के अलावा बॉडी के जो भी पार्ट्स है, हैं वो स्टेशनरी स्टेबलाइज रहें उनका मूवमेंट ना हो बहुत सारे पेशेंट्स क्या होता है ना कि हम एल्बो मूवमेंट कराने के लिए बोलते हैं तो एल्बो के साथ थोड़ा थोड़ा शोल्डर भी मूव करने लगते हैं या बहुत सारे पेशेंट को हम सुपाइन में लाकर बोलते हैं शोल्डर का फ्लेक्शन करने के लिए तो वो शोल्डर के साथ साथ स्लाइट एल्बो का भी फ्लेक्शन करते हैं तो यहाँ पर इस चीज को का खास ख्याल रखना है कि जो हमारा पेशेंट है उस वो पेशेंट अपने स्टेशनरी पार्ट को स्टेबलाइज करके रखे जनरली क्या होता है कि जो बॉडी का वेट है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबलाइजेशन के लिए पर कभी कभार मैकेनिकल सपोर्ट भी देना पड़ जाता है अब ये जो टेस्ट है ये दो तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं पहला पहला तो ये कि जो सब्जेक्ट हमारा है वही मूवमेंट करेगा हमने बोला सब्जेक्ट को कि नी का फ्लेक्शन करना है तो सब्जेक्ट ने नी का फ्लेक्शन किया और हमने उस पर ग्रेविटी या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो भी है वो अप्लाई किया पहला तो ये तरीका है दूसरा तरीका ये होता है कि जो एग्जामिनर है यानी कि हम यानी कि जो थेरेपिस्ट है वो क्या करेगा पेशेंट के ज्वाइंट को एक डिज़ायर्ड पोजिशन में प्रिसाइजली खुद से प्लेस करेगा हम अपने पेशेंट के नी को फॉर एग्जाम्पल नी का फ्लेक्शन करा रहा है तो हम अपने पेशेंट के नी को पैसिवली फ्लेक्स करेंगे एक प्रिसाइजली डिज़ायर्ड पोजिशन में रखेंगे और फिर पेशेंट को कहेंगे अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर हम कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी अप्ला, अप्लाई कर सकते हैं इसके अगेंस्ट में उस पोजिशन को होल्ड करने के लिए तो ये दो तरीका है पहला तो जो हमारा सब्जेक्ट है वही मूवमेंट करेगा दूसरा जो हमारा एग्जामिनर है जो हम थेरेपिस्ट हैं हम क्या करेंगे पेशेंट के उस पार्ट को एक डिजायर्ड पोजीशन में प्लेस करेंगे एंड देन वी विल आस्क द पेशेंट टू होल्ड इट अगेंस्ट ग्रेविटी और अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स ठीक है पर अब दिक्कत कहाँ आता है दिक्कत आता है कोई अगर मल्टी ज्वाइंट के बारे में बात करें अगर कोई मल्टी जॉइंट मसल के बारे में बात करें मल्टी ज्वाइंट मसल अर्थात कि एक मसल जो कि एक से ज़्यादा ज्वाइंट पर फंक्शन कर रहा हो एक साथ में एक से ज़्यादा ज्वाइंट पर फंक्शन करता है फॉर एग्जाम्पल हैिंग्स के बारे में बात करें तो हेम्पस्ट्रिंग हमारा एक साथ हिप और नी दोनों में काम करता है हिप में एक्सटेंशन कराता है और नी में फ्लेक्शन कराता है और हिप के मूवमेंट में हिप के एक्सटेंशन में ग्लूटियस मैक्सिमस का भी रोल होता है अब अगर हमें ग्लूटियस मैक्सिमस का चेक करना है एम एम टी ग्लूटियस मैक्सिमस का पावर चेक करना है तो हम कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर हम हिप का एक्सटेंशन कराते हैं तो हमारा ग्लूटियस मैक्सिमस भी रिस्पॉन्सिबल है एंड हिप एक्सटेंसर भी रिस्पॉन्सिबल है तो हम इसे कैसे सेपरेट करेंगे तो देखिए हिप एक्सटेंसर को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं नी को जब कभी भी हम फ्लेक्शन में रखेंगे क्योंकि हमारे हैमस्ट्रिंग का दो फंक्शन है वो हिप का एक्सटेंशन कराता है या फिर वो नी का फ्लेक्शन भी कराता है तो हम क्या करेंगे कि हेमस्ट्रिंग्स को कहीं और बिजी कर देंगे हम नी का फ्लेक्शन कराएंगे नी का फ्लेक्शन जैसे ही होगा तो हमारा हेमस्ट्रिंग उस नी को फ्लिक उस नी के फ्लेक्शन को मेंटेन करने में व्यस्त हो जाएगा उस नी के फ्लेक्शन को मेंटेन करने में बिजी हो जाएगा देन फिर हम हिप का एक्सटेंशन कराएंगे तो उस एक्सटेंशन में टोटली ग्लूटियस मैक्सिमस का ही रोल होगा और वहाँ पर हम चेक कर पाएंगे कि हमारा जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो सही से फंक्शन कर रहा है और उसका पावर कितना है तो इस तरीके से कभी भी मल्टी ज्वाइंट मसल के बारे में अगर हम बात करें तो उस ज्वाइंट को उस ज्वाइंट के मसल्स को हम इसी तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं इसलिए मैंने बोला ना पहले कि इस एमएमटी में हम किसी भी पर्टिकुलर मसल स्पेसिफिक कोई भी एक मसल का टेस्टिंग कर सकते हैं कि उसका पावर कितना है या नहीं है ठीक है नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द मैनुअल मसल टेस्टिंग इज द रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनुअल मसल टेस्टिंग को चेक करने के लिए किसी भी मसल के पावर को एसेस करने के लिए कैसे जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कशन किया था कि ग्लूटियस uh, मैक्सिमस का एमएमटी कैसे चेक करते हैं हम तो उस दौरान हिप का एक्सटेंशन कराया है हमने और हिप के एक्सटेंशन करने के समय हम पेशेंट के मूवमेंट के अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे मैनुअली एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में हमारा पेशेंट किस तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में जो मसल है वो मसल किस तरह से फंक्शन कर पा रहा है उस बेसिस पे फिर हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो मसल हमारा है इसका पावर क्या है ठीक है और एक बात को हमेशा खास ख्याल रखना है कि जो हमारा रेसिस्टेंस होगा वो हमेशा मसल के इंसर्शन पे लगाना है ऐसा नहीं कि मसल के ओरिजिन पर लगा दो ठीक है हमेशा जो रेसिस्टेंस है हमेशा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मसल के इंसर्शन पॉइंट पर ही लगाना है ओरिजिन पॉइंट पर नहीं लगाना है ठीक है अब हम कितना परसेंट असिस्टेंस लगाएंगे और हमारा पेशेंट किस तरीके से मूवमेंट कर पा रहा है उस बेसिस पर हम इसे तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं पहला स्लाइट और मिनिमम रेसिस्टेंस यानी कि अगर हम 60 से 70 परसेंट रेसिस्टेंस हम दे रहे हैं हमारा पेशेंट मूवमेंट कर रहा है और उस मूवमेंट के अगेंस्ट हमारे पेशेंट का मसल वर्क कर रहा है और उस मसल वर्क के अगेंस्ट हम 60 से 70 प्रतिशत रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा और तब हमारा जो पेशेंट है वो मूवमेंट कर पा रहा है तो उस कंडीशन को, को हम फेयर कंडीशन कह सकते हैं ठीक है अब इसके अलावा अगर हम मीडियम रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं मीडियम रेसिस्टेंस यानी कि 80 से 90 प्रतिशत रेसिस्टेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस कंडीशन में हमारा पेशेंट मूवमेंट कर पा रहा है तो दैट इज गुड और अगर हम मैक्सिमम रेसिस्टेंस हम जितना रेसिस्टेंस लगा सकते हैं हंड्रेड परसेंट रसिस्टेंस के अगेंस्ट भी हमारा पेशेंट अगर मूवमेंट कर पा रहा है दैट मींस द मसल फंक्शन इज टोटली नॉर्मल हमारे पेशेंट का जो मसल फंक्शन है वो बिल्कुल नॉर्मल है कोई भी दिक्कत उसमें नहीं है ठीक है तो इस तरीके से रेसिस्टेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मसल के पावर को चेक करने के लिए नाउ ग्रेडिंग के बारे में बात करते हैं कि कितने ग्रेड्स होते हैं और किन किन ग्रेड्स में किस तरीके से हम मसल को क्लासिफाई करते हैं तो दो तरह का ग्रेडिंग स्केल यूज किया जाता है एक ऑक्सफोर्ड स्केल और दूसरा लोबेट स्केल इन दोनों को हम यूज करते हैं और दोनों का क्या ग्रेडिंग का तरीका है कितने ग्रेड्स हैं क्या स्केलिंग है वो समझते हैं एक करके सबसे पहला ऑक्सफोर्ड स्केल ऑक्सफोर्ड स्केल का हम सामान्यतः यूज करते हैं इसका बहुत ज्यादा यूज होता है मार्केट में और आप जब भी पेशेंट को एसेस करेंगे तो ऑक्सफोर्ड स्केल का यूज कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड स्केल को टोटल यह छह कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू फाइव ठीक है अब जीरो सिंपली हमारा पेशेंट बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा है जैसे ही पेशेंट इनिशिएट करना चाह रहा है मूवमेंट तो उस दौरान मसल का कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा देन द स्केल इज देन द स्ट्रेंथ इज जीरो हम उसे जीरो में रखेंगे ठीक है पेशेंट हमारा मूवमेंट करना चाह रहा है हल्का फुल्का फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल में जिस भी मसल का हम चेकिंग कर रहे हैं जिस भी मसल का स्ट्रेंथ हम चेक कर रहे हैं उस मसल में फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस केस को हम फर्स्ट स्केल वन में रख सकते हैं नाउ द सेकेंड क्या है हमने पोजीशनिंग के बारे में बात किया था थोड़ी देर पहले कि पोजीशनिंग इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट फैक्टर इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट इन द मैनुअल मसल टेस्टिंग अब उसका रोल यहाँ पर आएगा हम पेशेंट को इस इस पोजीशन में प्लेस करेंगे कि हमारा जो पेशेंट है उस पेशेंट के पर्टिकुलर मसल पे ग्रेविटी एक्ट ना करे ठीक है वहां पर ग्रेविटी एक्ट बिल्कुल भी ना कर इस पोजिशन में हम प्लेस करेंगे पेशेंट को यानी कि ग्रेविटी इज नाउ एलिमिनेटेड ग्रेविटी को एलिमिनेट करके ऐसे पोजिशन में प्लेस करेंगे देन हम फिर पेशेंट का मूवमेंट कराएंगे अगर इन द एबसेंस ऑफ ग्रेविटी हमारा जो पेशेंट है वो फुल या फिर पार्शियल रेंज ऑफ मोशन भी जा रहा है लेकर देन द कंडीशन इज एम एम टी थ्री उसे हम थर्ड ग्रेड सॉरी उसे हम सेकेंड ग्रेड में रखेंगे आई एम सॉरी वो सेकेंड ग्रेड में आएगा ठीक है

फोर्थ ग्रेड में क्या होता है कि हमारा पेशेंट उसी पोजीशन में है जिस पोजीशन में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है वो एंटी ग्रेविटी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारा मसल काम करने जा रहा है उसी पोजीशन में प्लेस करना है और उसी पोजीशन में हम मॉडरेट रेसिस्टेंस हल्का रेसिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल हल्का बिल्कुल थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट के मूवमेंट के अगेंस्ट और उस दौरान अगर उस रेसिस्टेंस के बावजूद और ग्रेविटी के बावजूद यहाँ यहाँ पर ग्रेविटी और रेसिस्टेंस दोनों है तो एक्सटर्नल फोर्स मॉडरेट एक्सटर्नल फोर्स और ग्रेविटी इन दोनों के अगेंस्ट में फुल रेंज ऑफ मोशन अगर हमारा पेशेंट ले जा रहा है देन दैट इज द ग्रेड फोर और ग्रेड फाइव इज नॉर्मल ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा पेशेंट है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी और अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस यानी कि हंड्रेड परसेंट रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट में फुल रेंज ऑफ मोशन बड़े ईजिली बड़े आसानी से ले जाता है दैट इज द फाइव दैट इज द एमएम ग्रेड फाइव यानी कि एमएम ग्रेड फाइव बिल्कुल नॉर्मल है एम ग्रेड फोर को भी हम कोई एबनॉर्मिलिटी नहीं कह सकते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस हमें किसी पेशेंट में एम ग्रेड फोर भी देखने को मिल जाए नॉर्मली तो ये कोई बड़ा बात नहीं है ठीक है अगर पेशेंट का एम ग्रेड थ्री है हमें उस पर सख्त काम करने की ज़रूरत है या फिर टू थ्री से नीचे जितना भी है अगर थ्री या थ्री से कम है तो हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है ठीक है सो दिस वॉज द ऑक्सफोर्ड स्केल नाउ द नेक्स्ट स्केलिंग सिस्टम इज द लोवेट स्केल एक ये भी स्केलिंग सिस्टम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग में मसल के पावर को जानने के लिए ठीक है इसमें हम इसमें भी हमने छह स्केल रखा है ये जो स्केलिंग सिस्टम है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा कि हमारा ऑक्सफोर्ड स्केल था पर यहाँ पर बात बस डिफरेंस ये है कि ऑक्सफोर्ड स्केल में हमने यहाँ पे क्या बात किया था हमने नंबर्स का बात किया था जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव पर यहाँ पर लोवेट स्केल में हम डिस्कस करेंगे नंबर्स का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है यहाँ पर गॉन ट्रेस पुअर फेयर गुड और नॉर्मल ये छह यहाँ पे ग्रेडिंग है नहीं इस ग्रेड के अंदर में क्या कंटेंट है ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा ऑक्सफोर्ड में था डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले गॉन या फिर नन भी बहुत जगह रहता है लिखा हुआ नन ठीक है इसमें देर इज नो कॉन्ट्रैक्शन जैसा कि हमने ऑक्सफोर्ड के ग्रेड वन में देखा था कि वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था जब भी हम पेशेंट को कहेंगे मूवमेंट करने को तो जो पर्टिकुलर मसल है उस मसल में कोई भी कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं होगा आपको दिखेगा भी नहीं बिल्कुल वो नॉर्मल ही रहेगा तो वो हमारा नन कैटेगरी में या फिर गॉन कैटेगरी में रख सकते हैं देन सेकेंड वन इज ट्रेस ट्रेस यानी कि जो मसल है वो हल्का टाइटर फील हो सकता है अब यहाँ पर टाइटर फील हो सकता है इस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मसल है उसमें फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होगा वो जैसे ही पेशेंट हल्का सा मूवमेंट करने जाएगा तो आपको हल्का सा फील होगा कि जो मसल है पेशेंट का वो हल्का टाइट है वो हल्का कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शन जो कि हमारे ग्रेड टू में था ऑक्सफोर्ड हो ठीक है द थर्ड वन इज पुअर पुअर में क्या द मूवमेंट विदाउट ग्रेविटी ये बिल्कुल वही बात है ऑक्सफोर्ड जो था उसके ग्रेड थ्री वाली बात वहां पर क्या था वहां पे वहां पर हमने क्या देखा था कि हमने पेशेंट को एलिमिनेशन ऑफ ग्रेविटी वाले पोजीशन में रखा था ऐसे पोजीशन में प्लेस किया था जिस पोजीशन में जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी पेशेंट के मसल पर एक्ट नहीं कर रही है और उस दौरान हमने मूवमेंट कराया था तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था इंक्लूडिंग नेचुरल और एनी मैकेनिकल फोर्स तो उस कंडीशन में अगर मूवमेंट कर पा रहा है पेशेंट तो दैट इज़ थ्री नाउ फोर्थ वन इज फेयर फेयर ये बिल्कुल ऑक्सफोर्ड के ग्रेड फोर के जैसा है दैट इज मूवमेंट अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि पेशेंट को ऐसे पोजिशन में प्लेस करना है जिस पोजिशन में जो मसल है वो उस मसल पर ग्रेविटी एक्ट करे वो मसल एंटी ग्रेविटी की तरह काम करे ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करे उस कंडीशन में अगर मूवमेंट हो पा रहा है दैट इज फेयर नो गुड एंड नॉर्मल इट इज सेम एज द ग्रेडिंग फोर एंड फाइव ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्केल इन गुड देर इज अ मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड मॉडरेट रेसिटेंस एंड इन नॉर्मल द मूवमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी विथ सीवियर रेसिस्टेंस बिल्कुल ग्रेट फोर और फाइव ऑफ ऑक्सफोर्ड स्केल के जैसे तो ये दो स्केलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं मैनुअल मसल टेस्टिंग के अंदर में ठीक है अब आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ एम एम टी एम एम टी के कुछ लिमिटेशन भी हैं देखिए एम एम टी तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए बेस्ट है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं पर बहुत सारा ऑर्थोपेडिक कंडीशन ऐसा पाया जाता है जिस कंडीशन में हमारा एम एम टी गलत आ सकता है हम हमें एक्यूरेट एम एम टी नहीं मिल सकता है उस पर्टिकुलर मसल का तो अब देखते हैं क्या क्या लिमिटेशन है तो सबसे पहला हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में हम एम एम टी नहीं चेक कर सकते हैं करेंगे भी तो हमें एक्यूरेट एमएमटी नहीं मिल पाएगा मसल का एक्यूरेट पावर नहीं मिल पाएगा क्यों बिकॉज इन अपर मोटर न्यूरोन लीजन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ स्पास्टिसिटी स्पास्टिसिटी का प्रेजेंस होगा अब स्पास्टिक मसल होगा तो उसमें मूवमेंट ऐसे भी नहीं होगा तो मसल जो हमारा है उस मसल का क्या पावर है रियल में क्या पावर है वो हम नहीं समझ पाएंगे बिकॉज ड्यू टू द स्पास्टिसिटी द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द मूवमेंट देन इसके बाद सिनर्जी सिन, सिनर्जी के कारण भी हम नहीं पता कर सकते हैं एमएमटी सिनर्जी में भी हमारे पेशेंट का एमएमटी गड़बड़ हो सकता है कैसे तो देखिए सिनर्जी क्या होता है बेसिकली सिनर्जिक पैटर्न्स होता है सिनर्जिक पैटर्न्स इट मींस क्या कि हमारे पेशेंट का जो मूवमेंट है सिनर्जिक पैटर्न्स बेसिकली कहते हैं द मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ जॉइंट्स टुगेदर ग्रुप ऑफ जॉइंट्स का एक साथ जब मूवमेंट होना शुरू हो जाए उस कंडीशन को हम सिनर्जी पैटर्न कहते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ जॉइंट्स का मूवमेंट है वो पेशेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है अगर हम पेशेंट को हमने कहा कि पेशेंट को रिस्ट का फ्लेक्शन करना है तो रिस्ट के फ्लेक्शन के साथ साथ जैसे ही हमारा पेशेंट रिस्ट का फ्लेक्शन करेगा तो थोड़ा बहुत

उसके अलावा जो भी ज्वाइंट और जो भी बॉडी का मसल है पूरा का पूरा बॉडी स्टेशनरी और स्टेबलाइज होना चाहिए पर सिनर्जिक पैटर्न्स में क्या होता है कि सारे ज्वाइंट्स जो जो भी उसके आसपास के ज्वाइंट्स हैं उन सभी ज्वाइंट्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है वो स्टेबल नहीं रह पाते हैं तो उस कंडीशन में हम मसल का पावर सही से चेक नहीं कर पाएंगे तो इन सिनर्जिक पैटर्न्स द एमएमटी कैन नॉट बी चेक ठीक थी। है इसके बाद पेन पेन में क्यों नहीं चेक कर सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है अगर पेशेंट को पेन है फॉर एग्जांपल अगर हम डेल्टोइड का चेक कर रहे हैं फिर या फिर बाइसेप या ट्राइसेप का चेक कर रहे हैं और पेशेंट के शोल्डर एल्बो इस एरिया में पेन है तो पेशेंट तो ऐसे भी अपना अपना मूवमेंट नहीं कर पाएगा ना अब ऐसा नहीं है कि मसल का पावर कम है मसल का पावर नॉर्मल भी हो सकता है ठीक है मसल का पावर नॉर्मल भी हो सकता है बट ड्यू टू द पेन पेशेंट इज नॉट अलाउड टू डू द मूवमेंट बिकॉज ऑफ द पेन पेशेंट इज नॉट एबल टू डू द मूवमेंट पेन के कारण हमारा पेशेंट

या फिर इमेच्योर पेशेंट है और कोग्नेटिव लेवल काफ़ी कम है उसका तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम पेशेंट को जो एडवाइस करेंगे जो बोलेंगे करने के लिए वो पेशेंट समझ ही नहीं पाएगा करने के लिए तो उस कंडीशन में भी हम नहीं कर सकते हैं तो ये कुछ एम के लिमिटेशन हैं जो कि हम हमें हमेशा ध्यान रखना है इसके अलावा एक चीज़ स्लाइड में मिस हो गया वो मैं वर्बली आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है एमएमटी चेक करने के दौरान सबसे पहला बात एमएमटी चेक करने करने के दौरान सबसे पहले हमें हमारे पेशेंट को समझाना है कि हम क्या करने जा रहे हैं वी हैव टू टू एक्सप्लेन द द प्रोसेस पेशेंट जैसा कि हमने असेसमेंट के भी प्रिकॉशंस में देखा था कि वहां पे हमें पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के बाद सबसे पहला पेशेंट को एक कंफर्टेबल और डिजायर्ड पोजिशन में हमें प्लेस करना है डिजायर्ड पोजिशन क्या हो सकता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो पर्टिकुलर मसल का टेस्टिंग करना है वो टेस्टिंग अगेंस्ट द ग्रेविटी करना है या विदाउट ग्रेविटी करना है अगर विदाउट ग्रेविटी करना है देन यू हैव टू प्लेस द पेशेंट इन सच दैट द ग्रेविटी विल नॉट एक्ट ऑन द मसल। और अगर आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी चेक करना है तो फिर आपको उसी तरीके से पेशेंट को पोजिशन में प्लेस करना है नाउ थर्ड जो पेशेंट का क्लोदिंग है वो बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोदिंग होना चाहिए कुछ टाइट क्लोदिंग नहीं होना चाहिए बिकॉज अगर टाइट क्लोदिंग होगा तो फिर जो हमारा पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा वो सही से नहीं हो पाएगा ठीक है पेशेंट के पूरे बॉडी को स्टेबलाइज करके रखना है पेशेंट रिलैक्सड स्टेट में होना चाहिए ठीक है तो इन सभी चीज़ों को हमेशा खास ख्याल रखना है किसी भी मसल के एम को चेक करने से पहले सो दिस वॉज य डिस्कशन ऑन मैनुअल मसल टेस्टिंग एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस अगर कोई भी कठिनाई है कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर ये स्लाइड अगर आपको चाहिए तो यू कैन सिंपली डी एम मी ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मी द नंबर इज मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज ऑल्सो फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन ठीक है ओके सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग